प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित टीसीपी हॉल में प्रमुख व उपप्रमुख के पंचायत समिति सदस्यों के साथ औपचारिक बैठक संपन्न हुआ। बैठक में प्रमुख कंचन कुमारी, उपप्रमुख बबलू चौधरी, पंचायती राज पदाधिकारी मणिकांत कुमार मौजूद रहे। इस दौरान पंचायती राज पदाधिकारी ने सर्वप्रथम प्रमुख और उपप्रमुख का बुके देकर स्वागत किया, जिसके बाद प्रखंड क्षेत्र के तमाम पंचायत समिति सदस्यों से परिचय किया गया और औपचारिक बैठक संपन्न हुई। साथ ही बैठक में आगामी तैयारियों को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। इस मौके पर क्षेत्र के तमाम पंचायत समिति सदस्य मौजूद रहे। श्री पासवान आप पंचायत विभाग से और आदर्श पंचायत का मतलब होता है कि हर एक गांव में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, जैसे स्वच्छ गांव हो, सभी के लिए स्वच्छ पानी हो, सभी बच्चों का विद्यालय में 100% उपस्थिति हो एवं जितना इलेक्ट्रिक व्यवस्था जैसे वाईफाई की सुविधा हो या स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं हो। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान हैं जो हर प्लान व्यवस्था गांव में उपलब्ध हैं। और आप सब अपने पंचायत का और अपने सभी नागरिक का सम्मान के साथ पंचायत का विकास करेंगे, यही मैं आपसे रखता हूँ। आप लोग के पास कोई समस्या है तो प्रमुख साहिबा भी बैठी हुई है, आप लोग बता सकते हैं उसका निराकरण। किस मामले को लेकर बैठक? ये स्वागत समारोह है, हमारे माननीय प्रमुख साहिबा अभी चुन करके आई हैं, इनका अभी तक ये प्रखंड में बैठक नहीं हुआ था, इसलिए इनके स्वागत समारोह के लिए ये बैठक रखा गया। नाम और पद बताएं। मणिकांत कुमार, पंचायती राज पदाधिकारी। उसके लिए उसे शहर नहीं आना पड़ेगा, यही हमारी व्यवस्था है कि एक प्रखंड में एक पंचायत जो है वो आदर्श पंचायत के रूप में डेवलप करे। ये आदर्श पंचायत का लक्ष्य इसलिए रखा गया कि वो एक साल में एक पंचायत को डेवलप करना है। अगर एक साल में एक पंचायत डेवलप होता है तो 5 साल में 5 पंचायत एक ब्लॉक में डेवलप हो जाएगा और उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएगी। जैसा कि मैं आपके 2-3 ये जीपीडीपी का बैठक था तो उसमें मैं 2-3 पंचायत आपके विजिट किया था। एक था निर्मली पंचायत में गया था मैं, और एक रामनगर पंचायत, और एक था रतौली पंचायत। जैसे मैं वहां पर गया था तो मैं एक ये चीज़ देखा था कि दोनों साइड आपके प्रखंड में जो रोड सड़क होती है तो उसमें उपला जैसे गोइठा जिसको आप बोलते हैं वो रोड पे ही दोनों साइड से रखा हुआ था, उससे गाड़ी पास नहीं हो पा रही। मुझे लगा कि ये सब सही नहीं, आप लोग अब नए जनप्रतिनिधि चुन करके आए हैं, इन सब व्यवस्था को मैं ऐसा करता हूँ कि इन सब व्यवस्था को आप लोग सुधारेंगे। और मैं बीएनपी न्यूज के लिए सुपौल से संवाददाता अमरेश कुमार की रिपोर्ट। अधिनियम के अनुसार जो भी सहयोग होगा मैं आप लोग का पूर्ण सहयोग करूँगा।